आपके लंच को और भी स्पाइसड अप करने के लिए मैं सुमन रावत हाजिर हूँ लेकर बॉलीवुड गॉसिप का तड़का। जी हाँ, यहाँ आपको बॉलीवुड गलियारों की हर हलचल से रूबरू करवाऊंगी, तो इंतजार किस बात का, जल्दी से सवार हो जाइए हमारे बॉलीवुड एक्सप्रेस पर। दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या उस वक्त एक दूसरे को डेट करते थे जब दोनों स्ट्रगलर थे। निहार अब कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका से डेब्यू करने जा रहे हैं। निहार जिस सेलिब्रिटी से शादी करने जा रहे हैं उसका नाम जानकर भी आपको हैरानी होगी। निहार बॉलीवुड की फेमस सिंगर नीति मोहन के साथ शादी करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो शादी फरवरी में होगी। हाल ही में सौम्या ने बेबी बम्प के साथ एक ग्लैमरस फोटोशूट करवाया। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए गोरी मेम ने लिखा कि डिलीवरी से पहले ये उनका फोटोशूट है। सौम्या ने लिखा था कि इन दिनों मैं खुद को एक सुपर हीरो की तरह महसूस कर रही हूँ, प्रेगनेंसी को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। दिशा पटानी अपनी बिकनी तस्वीरें अक्सर शेयर करती हैं। हाल ही में दिशा ने मेटेलिक स्ट्रैपलेस गाउन में अपनी एक फोटो शेयर की है। फिल्म इंडस्ट्री में भी तैमूर सभी के चहेते हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में तो उन्होंने अपने माता पिता को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इस बार उनका एक अलग तेवर देखने को मिला। वो अपनी माँ करीना के साथ एक पार्टी में हाथ में रंग बिरंगा टैटू बनवा कर पहुँचे। ग्रीन कलर की शर्ट और डेनिम जीन्स में वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। प्रख्यात गीतकार और फिल्मकार गुलजार का कहना है कि उनके फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में लौटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग उनके मुकाबले कहीं अधिक बेहतर फिल्में बना रहे हैं। गुलजार ने अपनी फिल्मी करियर में इजाजत, आंधी और अंगूर जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज। खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। एबी स्टार न्यूज, आईना हर खबर का। इंसानियत क्यों हो रही है शर्मसार? दोस्त क्यों बनता है अपने ही दोस्त का कातिल? अपने ही रिश्तेदारों से क्यों खौफजदा है बच्ची? गर्भवती महिला के साथ उसी के रिश्तेदार कर दिया गैंगरेप। बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच जमीनी हकीकत का कड़वा सच, आखिर क्या हो रहा है? सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। क्या आप करियर को लेकर हैं कंफ्यूज्ड? कौन सा कोर्स कहां है जॉब? या फिर करनी हो एग्जाम्स की तैयारी? लेकर आएंगे आपके लिए सही जानकारी। अब आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हम, देखिए करियर हंट सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। पाकिस्तान के केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने मंगलवार को आगामी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को मामूली कट्स के साथ पाकिस्तान में रिलीज के लिए मंजूरी दे दी। ये फिल्म 18 जनवरी को पाकिस्तान में रिलीज होगी।
फरहान अख्तर अब एक और लेख नाटक के लिए 6 साल बाद मेहरा के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है। तूफान नामक इस फिल्म में फरहान अख्तर बॉक्सर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। 16 जनवरी को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना 34वां बर्थडे मनाया। इस पार्टी में करण जौहर से लेकर कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा और कीर्ति सेनन शामिल हुए। सिंगर नेहा कक्कड़ अपने ब्रेकअप को लेकर चर्चा में बनी हुई थी। नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो एक बच्चे के साथ अपने गाए हुए सुपरहिट गाने आंख मारे पर थिरकती नजर आ रही हैं। इस मजेदार वीडियो में वो अपने पार्टनर के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं। खबरों के माने तो रणवीर कपूर और दीपिका जल्द ही लव रंजन की अगली फिल्म में एक साथ दिखेंगे। लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर और अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण फीमेल लीड रोल निभाएंगी। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। बॉलीवुड का हसीन फसाना, झूठा एलिगेशन लगाया ना तूने, तो तेरे साथ मैं क्या करूंगी, तेरे को यकीन भी नहीं होगा उस बात पे। देखेंगे सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। करिश्मा करीना के रेडियो शो व्हाट वुमेन वांट पर पहुंची। उन्होंने खुलासा किया कि वो अपनी बहन करीना की वजह से सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल हो चुकी हैं। करिश्मा से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन के पाउट करने की आदत की वजह से हमेशा ट्रोल होती हैं। तुम्हें किस चीज के बारे में ट्रोल किया गया है? आप अपनी बहन को कहो इतना पाउट मत करे। माय पाउट इज मोर लाइक हैशटैग पाउट। बॉक्स ऑफिस पर छाई फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने लगातार अपना सिक्का जमाए रखा है। असल घटना पर बनी ये फिल्म दर्शकों को इस तरह पसंद आ रही है कि 5वें दिन फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। नेहा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी फोटो के साथ फिट बॉडी का मैसेज फैंस के साथ शेयर किया। नेहा पिंक मोनोकनी में बेहद खूबसूरत नजर आई। पूजा मिश्रा ने धमाकेदार और जोशीले अंदाज में गायकी की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। पूजा ने रियलिटी शो स्पेयर मी द क्रैब मेंटेलिटी के लिए डांसिंग ट्रैक हॉटर देन यू रिकॉर्ड कराया। ये जोश, जुनून, उमंग और उत्साह से भरपूर डांसिंग ट्रैक है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी अगली फिल्म राइफल मैन का टीजर लॉन्च किया। सुशांत ने बताया कि उनकी अगली फिल्म का नाम राइफल मैन है। इस फिल्म में वो राइफल मैन की ही भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस पोस्ट में सुशांत ने फिल्म की घोषणा करने के साथ ही आर्मी डे पर राइफल मैन का टीजर भी शेयर किया। सियासी गलियारों से लेकर
खेल के मैदान तक। एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। एबी स्टार न्यूज, आईना हर खबर का। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। इंसानियत क्यों हो रही है शर्मसार, दोस्त क्यों बनता है अपने ही दोस्त का कातिल, अपने ही रिश्तेदारों से क्यों खौफजदा है बच्चियां, गर्भवती महिला के साथ इसी के रिश्तेदार ने कर दिया गैंगरेप। बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच जमीनी हकीकत का कड़वा सच, आखिर क्या हो रहा है, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान फिर से एक्टिंग में कमबैक कर चुकी हैं। उनकी अगली फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर है, जिसे सेंसर से यू सर्टिफिकेट मिलने में काफी दिक्कत हो रही है। स्थिति देखते हुए आलिया भट्ट ने मां के सपोर्ट में आने और नो फादर्स इन कश्मीर को लेकर सेंसर बोर्ड के खिलाफ आवाज बुलंद करने का मन बनाया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो एक कपल के बेडरूम का है, जिसके टाइटल में लिखा है हंसी नहीं रोक पाओगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी में एक्टर दर्शन कुमार भी नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग अगले 10 दिनों में शुरू हो रही है। दर्शन इसमें एक प्रमुख रोल निभाएंगे। एक्ट्रेस सुरवीन चावला जल्द ही मां बनने वाली है और इन दिनों वो अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में सुरवीन ने अपने बेबी बंप के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर भी पोस्ट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली अब्बास जफर की भारत की टीजर को रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज किया जा सकता है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत इस साल सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इसी के साथ आज बॉलीवुड गॉसिप में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी लेकर बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी मसालेदार खबरें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज़।